मैं दोस्तों आपके चैनल टेक्स्ट में दोबारा से चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं दोस्तों यार एक चीज़ सोच रहा था और किसी ने शायद अब तक ये चीज़ नहीं सोची यार, मैं सोच रहा हूँ गूगल को शाओमी के ऊपर बहुत तगड़ा फाइन लगा देना चाहिए। अब बोलेंगे यार क्यों यार इस ब्रांड पे क्यों यार, एक एंड्रॉयड वन प्रोग्राम को पता है गूगल के अंडर वर्क करता है और गूगल का ही पार्ट है। अगर इतना ज़्यादा अगर उनकी रेपुटेशन घट रही है, अगर उनकी वैल्यू गिर रही है, एंड्रॉयड वन प्रोग्राम बदनाम हो रहा है, तो इसमें क्या गलती है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, शाओमी के मी A3 के साथ ऐसा होता आया है। एंड्रॉयड 10 इतनी बार रोल आउट रोल बैक, जो मोटोरोला के फ़ोन नहीं है, जैसे नोकिया के फ़ोन है, कुछ और ब्रांड से फ़ोन है, जैसे कि पिक्सल के तो है ही हैं, और भी हैं कुछ कुछ ब्रांड, तो उनके भी एंड्रॉयड वन प्रोग्राम पे भाई रन करते हैं, पर कभी ऐसा तो नहीं हुआ उनका फ़ोन डेड हो गया हो। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, शाओमी को अभी पता चला है कि MI A3 है इस अभी उनके पास, उनका फ़ोन है ये, इससे पहले वो नहीं जानते थे मी A3 क्या है। अब मतलब ये मतलब हो गया कि जिसमें वो रुपए नहीं कमा सकते वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपका ही फ़ायदा है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे पास तो और भी स्मार्टफोन हो जाएंगे क्योंकि मेरा प्राइमरी फ़ोन ये था, तो मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यार मेरे को भी तो पर्सनली फ़र्क पड़ता है, मैं बोल देता हूँ आपको, पर यार है ना यार ये चीज़ गलत है, क्योंकि है ना ये इतना बड़ा, क्योंकि हमारा फ़ोन एकदम यार बंद हो जाना है, और मतलब अब जब हम फ़ोन करते हैं अपडेट की पूछते हैं तो वो बोलते भाई हमारी सॉफ्टवेयर टीम काम कर रही है, टेस्टिंग में है, तो वो ऐसी टेस्टिंग करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ वो कॉपी और पेस्ट करके आपको रोल आउट कर देते हैं, बात तो यही हुई ना। और दोस्तों ट्विटर भाई प्लीज़ आप ये हैशटैग चलाइएगा और ट्वीट कर, जितने ज़्यादा ट्वीट हो सकते हैं, ट्रेंडिंग में तो नहीं आ पाया, पर हाँ शाओमी को पता चल गया, ये बात तो कन्फर्म है, 2000% शाओमी के सीईओ पता चला भाई, लोग बिल्कुल आप पे गुस्सा हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं शाओमी को प्लीज़ टाइम दो, कुछ टाइम दो, यार आपने और फ़ोन देखे होंगे, पर शाओमी के A3 की A सीरीज़ के साथ, A2 भी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, मेरे पास सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, A3 के साथ तो मैं खुद परेशान हूँ ना, मैं कैसे यार शाओमी प्रमोट कर दूँ, कैसे प्रमोट कर दूँ? अगर आप मेरी जगह हो तो आप कर देते प्रमोट? कभी भी नहीं करते। तो इतना ज़्यादा इन पर तरस ना दिखाएं, ठीक है? ऐसे और ब्रांड्स हैं, उनसे ब्रांड से इनको सीखना चाहिए। अब ये अगर आप ऐसे करोगे तो अगर इंडिया की ऑडियंस ऐसे करेगी कि चलो शाओमी पर और मौका देते हैं, मौका देने का टाइम नहीं है, है ना। अब रही इनके पर मंथ सिक्योरिटी पैच के अपडेट बात, सिर्फ सिक्योरिटी पैच के अलावा इन्होंने कुछ भी मेन हाईलाइट कोई एड ऑन फीचर नहीं दिया, जो कि एक अच्छा ब्रांड करता है। अब भाई मैं गूगल से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी ये मेरी विश और आपकी विश कम्प्लीट हो पाएगी। मैं चाहता हूँ MI के ऊपर $1 trillion का फाइन हो जाए। अब आप ही इसमें मेरा साथ दे सकते हैं, अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो भाई मैं नहीं मानता भाई मैं कुछ अकेला कर पाऊँगा, क्योंकि आपको मेरा वीडियो को शेयर करना होगा। आप मेरा क्या वीडियो, आपका ही वीडियो है और आपका ही फायदा होगा, और शाओमी अगर झटका लगेगा ना तो शाओमी अगर 10 बार सोचेगा इन फ़ोन को लॉन्च करने से पहले, शाओमी को अगर कोई और ब्रांड भी ऐसी प्लान कर रहा है, क्योंकि उनका UI से जैसे कि भाई आपका एक बेटा है, ठीक है ना, जो आपका खुद का बेटा है, मतलब रियल आपका बेटा है, आप उस पर ध्यान दोगे ना, जैसे कि शाओमी अपने MI UI पे देगा। अब वो कोई भाई मतलब जैसे कि गोद लिए बच्चे होते हैं, अब ऐसे कुछ ऐसे टाइप का आप सोच लीजिए, सपोज करिए, ऐसा होता नहीं है पर कुछ कुछ लोग करते हैं ऐसा, उनको थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, तो ऐसे एंड्रॉयड वन के साथ हो रहा है। 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, A1, A2, A3 और A4 का प्लान था, A4 में इन्होंने हाथ ठा दी, भाई हमारे बस की ये चीज़ नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हो? कुछ सर्विस सेंटर पैसे मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, क्या चल क्या रहा है इंडिया में यार शाओमी, थोड़ा सा तो शर्म करो बिल्कुल यार। मैं तो आपको इतनी गाली देते देते इस टकले को, इस जैन को और शियो को, यार मैं सच में भाई मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं तेरा टकलेपन पे बाल ला दूँगा, सच बताऊँ तो भाई सच में मेरे पे बहुत ही तो गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर। और रही सर्विस सेंटर में एजेंट की बात, जो बंदे होते हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है, ऑर्डर तो तुम पास करोगे ऊपर से, क्या तेरे को पता नहीं है टकले, तेरे को पता नहीं क्या फ़ोन के साथ क्या हो रहा है, तो साले किसने सीईओ बना दिया इस चीज़ का, और पहुँचता यूट्यूबर के पास प्रमोट करवाने के लिए, साले कुत्ते, तेरा ब्रांड तो क्या कहाँ का सीईओ यार, तो यार हट तेरे पे, शर्म आती यार मेरे को, कैसे से इंडिया के सीईओ होते हैं इतने बड़े ब्रांड के। MI बुरा नहीं है, फ़ोन सारे मेड इन चाइना है, पर कुछ तो कनेक्ट हो पर्सनल लोगों के साथ, बस एडवर्टाइजमेंट के लिए बैठे हो आप खुद ही ब्रांड का, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, फ़ोन को हाथ में लेके फोटो क्लिक करवा रहे हो,
गलत नहीं है वो, पर यार कुछ तो ध्यान दो ब्रांड के ऊपर, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा है जो इंडियन है ना वो नहीं रख सकता यार, कब तक एडजस्ट करेगा, कितना उसने बजट आपके ऊपर पैसे खर्च किए। तो भाई मैं तो प्लीज़ गूगल से भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई इस पर $1 ट्रिलियन का फाइन लगा दे, $1 ट्रिलियन पर आप इससे अपना इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो खुद पता चल जाएगा कितना फ़ाइन हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ फ्रांस कंट्री में हुआ है जिन्होंने एप्पल के ऊपर लगा दिए। मैं ये नहीं मानता शाओमी बड़ा है ये छोटा है, पर हरकतों से शाओमी छोटा है, ठीक है। अब जो ये फ़ोन है ना आईफोन, मैं एप्पल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है, पर भाई मेरी पसंद कुछ और है, मैं हेट तो नहीं करता मतलब पसंद नहीं है मेरे को फ़ोन, ये रिप्लेसमेंट करके देते हैं, वन प्लस है वन प्लस रिप्लेसमेंट करके देता है, अब शाओमी क्या कर रहा है। और हाँ सेकेंडरी डिवाइस देते हैं ये ब्रांड, सुन रहे हो ना, ये दोनों ब्रांड और कुछ और प्रीमियम ब्रांड रियलमी से स्टार्ट कर दे कुछ टाइम बाद। तो यार ये तो मेरे को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, और फाइन हो यार, क्योंकि एंड्रॉयड वन प्रोग्राम इतना प्योर इतना सिक्योर, और शाओमी उसके साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ ना तो मेरे पास खुद एंड्रॉयड वन में तो शायद कुछ नहीं होता, पर वो वहाँ से मैं ऊपर स्लाइड करता हूँ तो वो डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है मेरा, और मैंने सारी परमिशन ऑफ की हुई है जब भी मैं डाटा कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे। समझ रहे हो ना क्या क्या चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे आपके लिए सेफ भी नहीं है ना, आपके लिए सेफ है ना मेरे लिए सेफ है, और मैं तो भाई बोलूँगा बायकॉट शाओमी और शाओमी के सीईओ, और ऐसे ब्रांड को हमको इंडिया में नहीं जगह देनी भाई। आप हमारे देश से, और आपके ब्रांड की बात है तो आप हमारे देश के पार्ट्स को हमारा नहीं दिखाते, और वो हमारे जो प्रिय गुरुजी हैं टेक्निकल गुरुजी, उन्होंने दिखाया था शाओमी को, पता हो किसने एक्सपोज नहीं किया हुआ है। मैं मेरा पर्सनल उसमें नहीं, कई लोग सोचो पर्सनल उसमें नहीं, किस यूट्यूबर पर मतलब एक्सपोज नहीं किया हुआ, बैंड टेस्ट में ये फेल यार, कहाँ पे तू कहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, नंबर वन सेलिंग ब्रांड क्वालिटी ब्रांड वहाँ आपके तरह, जो मैं बैनर देखता हूँ ना वहाँ पे जो तूने अवार्ड्स लगाए हुए हैं उस पर शर्म आती नहीं, मतलब वो ₹10 खरीद के लाया खुद ही प्रिंट करके, कल आउट प्रिंट आपने वहाँ पे फ्रेम करवाए हुए है ना। तो इससे कुछ सीखो यार, और मैं तो चाहूँगा भाई इस पर बहुत तगड़ा फाइन हो इंडिया के अंदर, और इंडिया गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले, क्योंकि लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं, तो आप सब परेशान हैं, और बस यही था। और #MIA3 रिफंड, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, आप सपोर्ट करिए, और सारे जो भी यूट्यूबर देख रहे हैं आप देख तो रहे हैं, प्लीज़ आप भी और मेहनत करिए, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे भाई हैं, मैं भी आपके भाई हूँ, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ना जिनके साथ कोई भी खिलाड़ी नहीं देंगे। और मैं कल सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, कल क्या बार है, सोमवार को है ना, सबमिट करवा के जब आऊँगा, क्योंकि मेरा सबमिट नहीं हो रहा था उस टाइम, कुछ देर बाद सबमिट करने स्टार्ट हुए थे, तो अब मैं सबमिट सोमवार करवा के आऊँगा, फिर सोमवार को तभी तभी रिपोर्ट दूंगा आते के साथ, फिर मेरे को कहीं और जाना है। तो बस जो वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, और बस यही था, बाय, टेक केयर।